नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक छोटी किचन। और इस किचन को बनाने में अपन को क्या-क्या नाप की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप भी अगर किचन बनाना चाहते हो तो आप उसमें क्या लगाना चाहते हो, तो उसी हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। फ्लोरिंग में बात करते हैं तो फ्लोरिंग में आप पी वाइट ग्रेनाइट लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और स्कर्टिंग में अपन पी वाइट की स्कर्टिंग ले सकते हैं, और जिसमें 4 इंची, 3 इंची और 5 इंची, 6 इंची भी ले सकते हैं आप, जैसे आपको पसंद आए। और जो ओपन दीवार है उस पर टाइल लगा सकते हैं 5 फीट हाइट पे, काफ़ी अच्छी लगती है ये टाइल। कलर देख सकते हो, ग्रे कलर में टाइल है, इस तरह से आप लगवा सकते हो, काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं इसके प्लेटफार्म की। तो प्लेटफार्म आप अगर बनाना चाहते हो तो इसमें अपन को सबसे पहले नीचे वाला हिस्सा है ये फर्श से अपन को 3 इंची ऊंचा करना है, और ये डिवाइडर है उसकी लंबाई अपन को 28 इंची रखनी है। 28 और 3, 31, और एक नीचे औंधा इसमें फीस लग जाएगा। उसके बाद में अपन इसके ऊपर आधा इंची का केमिकल यूज़ करेंगे, और केमिकल यूज़ करने के बाद में फिर इस पे ऊपर का लास्ट का टॉप रखेंगे। तो टोटल इसकी 32 इंची हाइट हो गई, और 32 इंची हाइट हो गई। और इसके ऊपर से अपन 3 इंची की स्कर्टिंग लेंगे, इसके ऊपर फिर अपन को 2 फीट की हाइट में टाइल लगानी है। तो ये तो अपनी दीवार की और हाइट की बात हो चुकी है। अब दोस्तों, अपन को डिवाइडर किस नाप में खड़े करने हैं, इसकी ट्रॉली आती है वो क्या साइज की आती है। तो एक दीवार के पास में अपन को 1.5 इंची की दूरी रखकर खड़ा करना है। फिर अपन को दोस्तों 18 इंची रख सकते हैं और 24 भी रख सकते हैं। तो अभी ये 24 इंची का है, दूसरा खांचा वो भी 24 का है, और तीसरा खांचा भी 24 का है। फिर उसके बाद में आ जाता है कॉर्नर। कॉर्नर में आप देख सकते हो एक साइड तो 18 इंची जगह छोड़ी हुई है, और एक साइड 12 इंची जगह छोड़ी हुई है। उसके बाद में दोस्तों ये 3.5 फीट का खांचा छोड़ा हुआ है। 3.5 फीट के बाद में एक इसमें 2.5 फीट का खांचा छोड़ा हुआ है, और 2.5 फीट वाला खांचा है उसमें अपना लगेगा सिंक, जिसमें बर्तन साफ करते हैं वो लगेगा। इसके ऊपर नल की फिटिंग हो जाती है, और पास में बोर्ड, लाइट का बोर्ड लग जाता है। और मोल्डिंग की बात करते हैं तो मोल्डिंग में आप इस तरह से टेपर वाली मोल्डिंग दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। और सामने से प्लेन यही कलर दिखाकर आप इसको हल्का राउंड करके बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, और अब बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, अंदर गहराई कितनी होनी चाहिए। तो ये इसकी गहराई की बात करते हैं तो 22 इंची अपन इसकी चौड़ाई अंदर रख सकते हैं, और 22 से भी ज़्यादा अगर करना है आपको, ये प्लेटफॉर्म चौड़ा रखना है, तो इसकी ऊपरला प्लेटफॉर्म की 26 इंची चौड़ाई रखेंगे। तो आपको अंदर जो गहराई है वो आपको 24 इंची रखनी होगी। और बैक में आप पी वाइट खड़ा हुआ है, इसमें देख सकते हैं सारी जगह, इसकी जगह आप बेस्ट टाइल हैं उनको भी लगा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड करते हुए लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको ऐसी जानकारी बार बार मिलती रहे।